माघ शुक्ल पक्ष नवमी तिथि के प्रातः काल में आप जितने भी जप करता है तो मैं आपके सभी श्री चरण में विशेष प्रणाम करना चाहूंगा आपके आशीर्वाद की आकांक्षी हूँ अंशा कलपतर कृपा सिंधिंग पावन भ्यो वैष्णव नमो नम तो हमारे जपटक के दौरान गीता की चर्चा आज हमारा श्लोक संख्या है गीता जथारूप अध्याय अठारह श्लोक थर्टी सिक्स सुखंग दानी त्रिविध शुणु में भरत अभ्यासाद्रमते यत्र च निगच्छति उसका अनुवाद इस प्रकार है हे भरत अब मुझसे तीन प्रकार की सुखों के विषय में सुनो जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है लोकपात कहते हैं बद्ध जीव भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है इस प्रकार वह चर्बित चर्वण करता है लेकिन कभी कभी ऐसे भोग के अंतर्गत वह किसी महापुरुष की संगति से भवबंधन से मुक्त हो जाता है दूसरे शब्द में बद्ध जीव सदा ही किसी न किसी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है लेकिन जब सुसंगति से यह समझ लेता है कि तो एक ही वस्तु की पुनरावृत्ति है और उसमें वास्तविक कृष्ण भावनामृत का उदय होता है तो कभी कभी वह इसे तथाकथित कथित सुख से मुक्त हो जाता है तो इस श्लोक में भगवान ने सुखंग त्रिदानिंग त्रिविधंग सुणु में भरतर्स पहले लाइन में भगवान कहते हैं सुख के विषय में अभी तक हमने इदानी शब्द मतलब अभी तक जो बोले हैं अर्जुन को भगवान ने त्याग सन्यास ज्ञान कर्म कर्ता और बुद्धि और धृति इस सभी का तीन तीन भेद गुणों के अनुसार बताया है अब सुख क्यों बताते हैं क्योंकि जितने सारे कर्म बताए कर्म संग्रह के लिए कर्म के बारे में कर्म संग्रह का मुख्य देह होता है टू बी हैप्पी नहीं तो क्यों काम कोई करेगा दुखी होने के लिए तो कोई काम करते ही नहीं कर्म संग्रह का मुख्य उद्देश्य है सुख और जी प्राय जेन तेना प्रकार सुखी होना ही चाहता है सुख ही मुख्य लक्ष्य है तो इसलिए भगवान कहते सुख तो भी सुन लो सुख भी तीन प्रकार का होता है <laughs> तू सोचता है सुख एक प्रकार होता है बोलते नो 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 सुख में भी भेद है ये बताना चाहते हैं हम लोग तो भेद सुख में पता भी नहीं बोलते नहीं सुख भी वैरायटीज होता है ये सब सुनने के बाद में जो आपका मेन लक्ष्य है सुख प्राप्ति ये भी तीन प्रकार के उसको सुनो और भगवान ने यहाँ अर्जुन को आगे तो सब जगह में प्रथा प्रथा कर बोलते थे प्रथा पुत्र कह करके इस श्लोक में भारत कहे हैं भारत कहने का आशय भगवान का ऐसे है कि हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ भारत अर्षव श्रेष्ठ इसलिए कहते हैं कि हे अर्जुन तू भरत वंश में श्रेष्ठ हो तू उन गुणों के पछड़े में फंसोगे नहीं ये तथा कथित राज सुख हो तामस सुख में फंसोगे नहीं सतगुण से आ करके सतगुण के ऊपर उठ जाओगे तो नहीं क्योंकि तुम उसके लायक हो तुम श्रेष्ठ हो क्यों तो राज के राज हुए इंद्रिय भोग अर्जुन को एक बार स्वर्ग में जाने का पड़ा था इंद्र भवन में और यहाँ उर्वशी ओपनली उनको भोग करने के लिए चांस दिया था लेकिन अर्जुन ने उसको ठुकरा दिया था मना कर दिया था एक्सेप्ट नहीं किया था तो इसलिए इंद्र भोग की कामना को जीत चुका था अर्जुन ने स्वर्ग की अप्सरा और बसी के प्रपजाल को स्वीकार ना करना ये अर्जुन करके दिखाया तो इसलिए आप राशि सुख में आप फंसेंगे नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं यूआार मोर देन राशि से राजागुण के ऊपर उठ चुके हैं राजुण को कंट्रोल कर चुके हैं और तामसी तमोगुण का महान लक्षण है निद्रा और आप गुण से हो आप निद्रा विजयी हो तो इसलिए तमगुण रजगुण तो आपको प्रभावित कर ही नहीं सकता कि आ ही नहीं तू ऑलरेडी प्रेजेंट नाउ आई कैन सी दटन्ड तमगुण रजगुण तो बाकी सात्विक सुख जो रहा इसमें दया करुणा ये सब तेरे अंदर थोड़ा बहुत है स्वच्छता निर्मलता आत्मज्ञान होना ये सब लेकिन आप पुरुष श्रेष्ठ हो आप उससे भी उठ करके त्रिगुणातीत गुणाती थी को सुख को प्राप्त करेंगे अक्षय सुखम अश्मुते जो सुख अमृत की तरह है कभी विनाश नहीं होता उसको प्राप्त करोगे इसलिए भारत सब कहे और तुम तो सुख की वेरायटी भी सुन लो एक्चुअली भगवान अर्जुन को नहीं कह रहे अर्जुन को माध्यम बनाकर हम लोग को सब कह रहे हैं यार फे हुए सब सुख की इच्छा रखते हैं तो इसलिए सुख की वेरायटी से हमको जानना है हरे कृष्ण तो हमको बताते हैं तो दूसरा लाइन में कहते अभ्यासाद रमते दुखान ये जो सुख अभी कहेंगे अभी कौन सा सुख कहेंगे अभी बताए नहीं क्योंकि सतगुणी सुख को श्लोक संख्या सैंतीस है ये बताएंगे सैंतीस अड़तीस सैंतालीस में तीन गुणों का बताएंगे अब कल सुख के बताते हैं ऐसा सुख है जिस सुख को अभ्यास में ही मजा लेना होता है रमण करना होता है अभ्यास के द्वारा आ, बाकी सुख को अभ्यास से नहीं लेते हैं सुख और सतगुणी सुख तो प्राप्त तो होता है उसको अनुभव करते हैं रजोगुणी सुख को प्रैक्टिस क्या करेंगे तो ऑलरेडी पहले से एक जन्म जन्म से कई जन्म से ये विषय के संयोग सुख जो है विषय संयोग सुख ये कई जन्म से हरेक जोनि में करते आए हैं उसका अनुभव इतना ज्यादा है इसके लिए कोई ट्रेनिंग लेना नहीं पड़ता कोई प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता एवरीबडी <laughs> नोज hmm, तो और तमोगुणी सुख निद्रा आलस्य से हो तो स्वाविक है उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है के लिए अभ्यास करना पड़ता है नो लेकिन ये जो सतगुणी सुख है उसको प्रैक्टिस में अच्छा लगेगा आपको फील वेरी Attached very good in practicing, और उस प्रैक्टिस करना ही चाहोगे तो रमते, जो ऐसी प्रकार के सुख जिनको अभ्यास में ही आनंद लगता है प्रिया लगता है मजा आता है अभ्यास करना चाहता है रमन करता है और जिसमें कभी कभी दुख का भी अंत हो जाता है जिस दुख के अभिज्ञता तरह जन्म जन्म से है इस दुख के लोप हो जाता है तो कैसे प्रभुपाद उसको क्लियर करते हैं बोलते हैं कि हम जो जन्म जन्म में जो सुख के पीछे पड़े थे उसमें चर्बित चबण च्यूंग चर्बित चर्बण चर्बित जैसे गन्ना है को एक बार चुबाया उसका रस था सुप पी लिया चूस लिया लेकिन फिर आया वही चूसा भागना पड़ा है फिर इसको चूसेंगे उसमें कुछ रस नहीं है लेकिन चूसेंगे बोलेंगे साज मिल जाए ऐसा लेकर के चूस चूस करके, चूछ चूछ करके दांत जीवा छिल जाएगा कुछ मिलेगा नहीं फिर फेंक देंगे फिर चले जाएंगे हो फिर आके देखेंगे वही सूखा हुआ छिलका पड़ा होगा उसको फिर चुएंगे बोलेंगे शायद मिल जाएगा तो इसी प्रकार आशा करते हैं कि इसमें मिल जाएगा यही काम करेंगे मिल जाएगा लेकिन मिलता कुछ है नहीं और इंद्रिय हनन होता है उसमें जैसे खुजली करने से जो सुख का हमारा इच्छा रहता है सुख क्या ब्लीडिंग होता है फिर तो तो हो जाता है तो इस प्रकार जो दुख बारंबार हमको सुख प्राप्त करने का इच्छा जो करके सुख नहीं मिलता था दुख बारंबार मिलता था उसका अंत भी हो जाता है कैसे अंत तो होता है? है कि बारंबार इंद्रिय सुख के लिए प्रयास करते करते थक चुका होता है कभी कभी उनको कोई सत्संग प्राप्त होता है कोई साधु महापुरुषों की संगति प्राप्त हो जाता है तो फिर उनको आ, उन्होंने बताते हैं कि ये सब है उसमें कोई सुख नहीं है तो उनको भक्ति के बारे में बताते हैं तो भक्ति के अभ्यास करने से अरे तो उनको पता चलता है कि ये सुख थे ये जो भक्ति के अभ्यास में तो फिर उनका जो पहले का जितने प्रकार के वो प्रयास कर रहा था सुख के कारण उस प्रयास से नमस्कार इस तथा कथित दुख से बच जाता है दुख अंत निगत इस दुख का अंत हो जाता है तो सुख के प्रयास और भगवान आगे के श्लोक में किसा जुड़ा हुआ है एक्चुअली सुख के बारे में भगवान ने वन एंड हाफ वर्ष बोले ये थर्टी सिक्स में आधा एक लाइन आधा लाइन लास्ट लाइन वाला और थर्टी सेवन को पूरा सात्विक सुख के लिए सात्विक सुख के लिए वो डेढ़ श्लोक बोले हैं हम्म और ये सात्विक श्लोक का जो सैंतीस नंबर श्लोक बताते हैं ये सात्विक सुख है उसमें बताते हैं कि यतदग्रे विषम परिणाम अमृत उपम तत्सुखम सात्विक अंग प्रोक्तंग आत्मबुद्धि प्रसादजम और ये सात्विक सुख का लक्षण बताते हैं जिस सुख को बारे में इस श्लोक में इशारा किए थे कि जिस सुख को अभ्यास में रमण करना होता है, वो प्रिया लगता है अभ्यास करने में और जिस सुख में दुख का अंत हो जाता है यद्यपि आत्यंतिक अंत नहीं होता लेकिन लगता है कि मैं सुखी हो गया सुख का अनुभव होता है सतगुण का वृत्ति है सुख देगा और सुख में बांध डालेगा वो इतना कोई अच्छा भी नहीं सुखम बदनाती सुख संगे न बधनाती इस ध्यान बताया ना तो सतगुण के बारे में वो सुख संगे न बधनाती तो वो भी सुख में बांधता है आपको तथा तो कथित सुख में अब वो सुख के पहले लक्षण बताते हैं जतदग्रे तो विषमी वो शुरुआत में विष की जैसा लगता है बीस जैसा लगता है मतलब सात्विक सुख बीच नहीं है क्योंकि अभी तक हमारा अभ्यास राजसी और तामसी सुख में पड़ा हुआ था जब उसको छोड़कर हमें उसके सात्विक सुख के लक्ष्य बनाकर अभ्यासा करते हैं वो बड़े कड़वा लगता है बीस जैसा लगता है जैसे कोई बच्चे वो क्रीड़ा प्रिय है हमेशा खेलना भमना धामना उदम मचाना वही करते रहते तो मजा उनको बोलो पढ़ाई करो बैठा दो मन तो लगता नहीं तो वो बीस सा लगता है बोले क्या मुझे कैद कर डाला रूम में ढा करके बंद करके बिल्कुल वे तो अपना स्वाधीनता के हनन हो गया ये <laughs> नहीं करो तो इस प्रकार वो उनको बुरा समझेंगे जो भी इस प्रकार सुख का पहला लक्षण है क्योंकि उसका कोई अभ्यास किए नहीं सतगुण सुख का कभी प्रैक्टिस किए नहीं और जो किए हैं उसको जो छुटता है उसका स्मृति बोलते तो उसको लगता है अब अनुभव तो सुख का हुआ ही नहीं क्योंकि अभ्यास करते करते आ उनका प्रिया लगेगा। में अभ्यास, जिस अभ्यास हम पहले कभी किए नहीं और जिसमें रजोगुण के सुख का अनुभव नहीं मिलता इसलिए भी इसकी तरह लगता है परिणाम अमृत में लेकिन अगर अभ्यास करते रहेंगे तो अच्छे सुख प्राप्त करेगा अमृत जैसा बनेगा क्योंकि जब फिर लड़का को बारंबार बार अभ्यास करो पढ़ो 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 पढ़ने लगता है और फिर परीक्षा में अच्छा नंबर मिलता है अब सब लोग बोलते हैं कि को तब फिर मन लगता है नहीं पढ़ना है मुझे तब फिर वो पढ़ने में मजा लेता है वो आनंद लगता है तो इसी प्रकार क्योंकि तत्सुख सात्विक सात्विक सुख का एक मेन लक्षण है आत्मबुद्धि प्रसाद अजम ओ आत्मा को बुद्धि में आत्मज्ञान देता है आत्मबुद्धि प्रसाद अजम। उसके वजह से सात्विक अभ्यास की वजह से बुद्धि इतने निर्मल हो जाता है कि आत्मज्ञान प्रकट होता है आत्मा के बारे में जान पाता है बुद्धि के क्लियरेंस राजोगुण तमोगुण बुद्धि तो बिल्कुल कंडम रहता है धुमिल रहता है लेकिन जब सतगुण अभ्यास करते हैं तो सारे इंद्रिया क्लीन होते हैं स्वच्छ होते हैं तो उसमें स्वच्छ बुद्धि आता है निर्मल बुद्धि आता है तो इसमें सदगुण सद्भावना सत्कर्म ये सब बात आता है क्योंकि आत्मा संबंधी वो आत्मा परमात्मा के निकट ले जाने वाली जो अभ्यास वो आत्मा तो आत्मा तो आत्मा का जो स्वरूप है वो आनंदमय है जो आत्मा के नजदीक जो अभ्यास ले जाते हैं सुख अवश्य मिलेगा उसमें तो फिर उसके सामने ये सुख सब फीका पड़ जाएंगे आत्म सुख प्राप्त तो इसीलिए ये परिणाम अमृत कमम है और पहले पहले कड़वा लगेगा क्योंकि हम पहले कभी किए नहीं जो सुख हम लेते थे इससे लगता नहीं है हम्म इसमें कोई मजा नहीं आता नहीं कड़वा लगेगा विष लगेगा लेकिन उसको बारम्बार करने से जब वो आत्मा के ज्ञान देगा बुद्धि में बुद्धि आत्मा को समझ आत्मा साक्षात्कार कराएगा परमात्मा के नजदीक लेकर जाएगा तो उसमें जो सुख है तो वो सुख फिर फिर तो अलग ही सुख है उसमें अपने को हमेशा सदाचारी सदगुणी सद्भावना ज्ञानी है ना नहीं? इस प्रकार के निर्मल स्वच्छ इस प्रकार से रहेगा फिर कभी इसमें से फंसेगा नहीं सदगुणी लोग हमेशा इस अभ्यास में रमण करता रहेगा इस अभ्यास में तो इस प्रकार यद्यपि सुख संज्ञान बधनाती एक्चुअली भगवान ने सुख के बारे में इसलिए बताते हैं डिटेल चार श्लोक में क्योंकि हम जितने भी परमार्थ के रास्ते में चलने वाले साधक हैं जो परमार्थ की साधना करते हैं हम उन्नति नहीं कर पाते हैं उसका मुख्य कारण क्या है और न क्या कर पाते हैं? हम हम आत्मसाक्षात्कार करने के भगवत प्राप्ति करने का जो मुख्य मुख्य बाधा है दी दी ऑबस्ट्रकल मेन अबस्ट्रकल वो क्या है वो है सुख की इच्छा हम जो कुछ करते हैं साधना उसमें सुख की इच्छा रखते हैं इसी की वजह से मार खा जाता है इसी वजह से हमारी प्रगति नहीं होता इसी वजह से जो हम चाहते हैं डिजायर्ड गोल प्राप्त करने के लिए हो ही नहीं पाता सुख in in like की इच्छा ही हमको मार डालता है और हमको डाउनफल कराता है तो इसलिए सुख को जानना बहुत ही आवश्यकता है भगवान इसलिए चार श्लोकों शुक में सुख के बारे में बताते हैं सुख को जानना क्योंकि सुख की इच्छा इविन्न शतगुण में भी अगर सुख को भोग करने की इच्छा करेगा तभी बंधेगा फंसेगा ना सुख को भोगने की इच्छा नहीं करना है और सुख आनंद देगा आपको उसमें बहुत प्रियता होगा उसमें आनंद प्राप्त होगा लेकिन फिर भी हम उसको ऊपर उठना होगा भगवत प्राप्ति के लिए की भोगने की इच्छा अगर भी रखते हैं तभी भी बंधनकारी है सुख को भोगने की इच्छा तो कश्मीन काल हमारा अंदर नहीं होना चाहिए हम्म कभी कभी अनुभव कराएगा वो सुख की दुख खत्म हो गया ऐसे अनुभव कराएगा लेकिन फिर भी हम उसमें फंसे नहीं रहना चाहिए क्यों क्योंकि यही रास्ता है परमात्मा प्राप्ति का भगवान को प्राप्ति कराना का जो रास्ता बहुत नजदीक है सतगुण तो इसलिए आत्मिक सुख देता है धीरे धीरे उसमें फिर अभ्यास करने से फिर परमात्मा को प्राप्ति होने का लक्ष्य रहता है उसमें बहुत नजदीक रहता है तो इसलिए हम अगर सुख भोगने का इच्छा किसी भी स्तर में रखते हैं तो ही हमको प्लग डाउन कर देता है हमारा साधना वहीं से रुक जाता है सुख की कामना करने से तो इसलिए केयरफुल होना चाहिए किसी भी स्तर में साधना में सुख की कामना मत करो दुख तो हम साधन करते हैं इसलिए मूल होता है लेकिन सुख भोगने के लिए हम करते हैं यही वासना है हमको बंधन में करना वही हमको बांध कर रखता है जिस समय हम उसको मन में हटा दे दिस इज माई ड्यूटी अर्जुन को भगवान ने बोले कि तो लड़ाई करो बोले सुख मिलेगा नहीं सुख के लिए नहीं किसी प्रकार सुख की कामना मत करो फिर क्यों किस लिए करो दिस nah करना, करना है और सुख इच्छा, इच्छा से हम करते हैं भोग इच्छा से इसीलिए हम मार खा जाते हैं तो इसी को समझाने के लिए भगवान ने हमको की देकर देकर समझाते हैं कि, ए, किस प्रकार हम बनते हैं और उसमें सुख की इच्छा ही सतगुणी हो रजोगुणी हो जो भी हो चाह सोने में भी जो आनंद लेते हैं और सुख भोगने में भी जो आनंद लेते हैं ये सब आनंद लेने के इच्छा के कारण ही अगर ये सुख प्राप्ति करने की इच्छा ही ना रखें और शरीर का अपना कर्तव्य वो करेगा शरीर क्रिया शरीर करेगा हम शरीर नहीं है बट शरीर में है तो और यू हैव टू टेक केयर बड़ी तो बॉडी अपना अपना जो रिक्वायरमेंट सो करेगा तो उसमें हमको सुख की आशा नहीं करेगा बड़ी अपना कर... बड़ी में अपना टायर पंक्चर कर रहा है उसमें हम सुखी होना क्या है गाड़ी अपना टायर पंक्चर कर रहा है तेल भर रहा है तो उसको गाड़ी चलना में चाहिए उसको तो चलेगा तो इस प्रकार शरीर की जो जो आवश्यकता है थोड़ा बहुत शरीर करेगा तो इसमें हम लोग को नहीं फंसना चाहिए, चाहिए। आत्मस्तर में रह आत्मबुद्धि प्रसाद है इस बुद्धि में इतने निर्मलता आ जाए कि आत्मसंबंध्य ज्ञान प्रकट हो सद्ज्ञान प्रकट हो सद तो इस प्रकार के तो इसी में भी इस सुख में भी इस विभिन्न समाधि के सुख में भी कोई भोगने की इच्छा हो मैं समाधि में रहूंगा तो वो ही बंधनकारी ना तो निर्गुण स्तर पर उठना है ये अपना सुख का इच्छा नहीं सुख का इच्छा क्या केवल कृष्ण सुख की इच्छा अपने हम सेवक है ना स्वरूप हमारा है सेवक सेवक जब अपने सुखी होने के लिए काम करेगा तो फिर सेवक होगा? सेवक धर्म का विरुद्ध हो जाएगा सेवक का धर्म है मालिक को सुख पहुंचाए अपने हर प्रकार के सुख, प्रयास में हर प्रकार के कार्य में मालिक को सुखी करना ही सेवक का परम धर्म है अगर उस सुख पहुंचाने में अपना सुख के विचार रख लिया तो मर गया गड़बड़ हो गया है ना आई थिंक अभी तो समझ में आ रहा होगा कि हमारा स्वरूप है हम सर्वेंट सर्भ जब अपना सुखी होने के विचार रखता है तब तो फिर पक्का सर्भ पक्का सर्भ्याण्ट तो वही हरेक क्रिया से हरेक प्रकार से केवल मालिक के सुख पहुंचाए मालिक की सुख देख करके सुखी हो थिंग क्योंकि वही उनका लक्ष्य है तो भगवान अभी ये डेढ़ श्लोक में पहले तो इदानिंग सुनो हम्म तू शब्द से अभी तक जितने मैंने बताया साधन ते तीन तीन प्रकार के ये सब में लक्ष्य है सुख प्राप्ति का तो इसलिए इसको भी सुन लो तूने इधानी तू सभा का क्रम में बता लिया ऑलरेडी अभ्यासम ये जो सुख है मैं वही बोलूंगा ये रजोगुणी तमगुणित सुख जैसा नहीं है कि जिसमें अनुभव हो जाता है इसको अभ्यास करना पड़ता है बाकी सुख को अभ्यास नहीं करना पड़ता ये ऑलरेडी विषय सुख है निद्रा आल सुख उसको अभ्यास नहीं करना पड़ता लेकिन सात्विक सुख को यहाट प्रैक्टिस इट और प्रैक्टिस में ही आनंद आता है प्रिय मजा आता है तो अभ्यास है और उसमें दुख का अंत होता है जो दुख का अभ्यास हम लोग अभी किए हैं बार बार चर विचरवण करके इस दुख का अंत हो जाता है तो उसको कभी कभी अंत लिखते हैं कि मतलब क्योंकि सुख भी बंधनकारी है तो हमसे ऊपर उठना चाहिए एकदम प्राय सुख से सात्विक सुख से तो और, और सुख आत्मबुद्धि प्रसाद आत्मज्ञान को प्रकाश करने वाले निर्मल सुख है तो है सात्विक सुख आई थिंक दिस इज एनफ दिस इज नेवर इनफ महाराज लेकिन वी कैन टेक क्वेश्चंस यस थैंक यू सो मच महाराज यहाँ हमारा सामने दो क्वेश्चन हाथ उठता है

श्रद्धालुओं की शुरुआत इसी में हम आनंद विग्रह हैं तो आनंद तो के संस्पर्श में आना ही आनंद प्राप्ति होगा लेकिन अगर हम इसी आनंद में फंसे क्यों इसी आनंद को प्राप्ति करने के लिए करते हैं दैट इज बैड क्योंकि हमारा धर्म है आनंद उनको देने से जो आनंद मिलेगा वही हमारा धर्म है ऐसा मैं यस हाँ वही तो बताया कि हमारा धर्म समाधा हो जाएगा हमारा सेवक धर्म है हमारा सुखी भोग, भोग धर्म नहीं आशा करेगा तो उसका वजन वो डायरेक्ट उसको प्रेम लेवल तक नहीं मतलब आगे नहीं बढ़ सकता की सुख के कामना क्या उस सुख में बंद, हो, बंद कर रह जाएगा तो मतलब मेन चीज नहीं मिलेगी जो किसी बंद गया ना ये खोलेगा तो आगे जाएगा ना सुख में बंद जाएगा वो तो जो आनंद जैसे कोई फिर से पर साइंटिस्ट वो खाना पीना ये सब सुख को भूल जाते हैं वो इसी में रमे रहते हैं और रिसर्च करने में इतने रमे रहते हैं भूत पागल हो जाते हैं तो ये काइंड ऑफ सात्विक सुख जो रमत है उसमें रम जाएंगे रिसर्च

तो अब ये जैसे आप, आप भजन का आनंद तो कि कोई सुख के अंदर नहीं आता थे। तो तो सुख नहीं, ये भी नहीं कौन सा कैरी फॉरवर्ड होकर के आता है क्योंकि गुण अगर शतुगुण में रहोगे तो आप रजोगुणी तमोग वृत्ति नहीं जाएगा आपका अभ्यास नहीं करोगे आप हमेशा आप तीन रहना चाहोगे इस प्रकार दुख से आपको इतने अटैचमेंट नहीं होगा

तो हमारा हम उनके मालिक का इच्छा रहता है लेकिन आनंद प्राप्ति का सही उपाय है अगर हम मालिक को आनंद दें तो हम आनंदित होंगे पेट में भोजन डालने से अधर से इंद्रिय को शक्ति मिलेगा और आपने दूसरे इंद्रिय आपने भोग ना करेगा सेपरेटली तो ना हमारा प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम तो हम सेपरेट एंजॉयमेंट नहीं कृष्ण को एंजॉयमेंट दो देन विल गेट एंजॉयमेंट ऑटोमेटिकली कृष्ण गुरु साधु और डिवोटीज और अथॉरिटीज इन सब की भी सेटिस्फैक्शन को देख के जो सुख मिलता है ये सारी इससे ऊपर है यस यस नाउ ऑनलाइन यस वृंदा हरे कृष्ण महाराज जी की वृंदा डिफरेंट कलर हैंड ऑल हैंड्स आर येलो हिज हैंड इज समथिंग डिफरेंट कलर please accept my humble obeisances. Thank you so much. Volume increase. Maharaj, I had a question. कि ऐसे एक lecture में सुना था कि chanting का purpose stage पर नर्थ ने वृत्ति होना चाहिए. पर अनर्थ निवृत्ति के पीछे भी ऐसा लगता है कि अनर्थ है जितने परेशान करते तो वो चले जाए तो उसमें कृष्णा की हैप्पीनेस नहीं होती है, ऐसा लगता है खुद ही थोड़ा नहीं नहीं ऐसा मत सोचो अनर्थ निवृत्ति करना चाहते हैं कृष्णा की सेवा करने के लिए लायक बने

खुद हैप्पीनेस मिलेगी कभी कभार उसके पीछे भी यही रहता है हाँ हाँ तो हैप्पीनेस तो आप क्योंकि आप आत्मा हो आत्मा के स्वरूप है हैप्पीनेस आनंद सचिदानंद है ना लेकिन हैप्पीनेस हम अपने से कृष्ण से हटकर के जो प्राप्त करना चाहते हैं दैट इज प्रॉब्लम हम कृष्ण को हैप्पी करें तो ऑटोमेटिक सुखी होंगे नहीं, नहीं सकते है ना

हमारा स्वरूप क्या है हमारा कर्तव्य क्या तब फिर भक्ति में आ जाते हैं भक्ति में तो आना बहुत इजी होता है क्योंकि दे आर जस्ट इन द नेक्स्ट डोर बहुत नजदीक है लेकिन थोड़ी उनके साधु संग मिलने से तुरंत भक्त बन जाएंगे तो सत्वगुणी लोग को रजगुणी और तमोगुणी से आसान होता है ना भक्ति और क्योंकि बिल्कुल नेक्स्ट डे है उनको वो तो दो मीटर है दूरी और वहां वो ये दो दो चार किलोमीटर दूरी है

तो इसलिए दे आर नियर दे विल गेट भक्ति सुन इफ दे विल गेट साधु संगत दे विल गेट विदाउट साधु संगत दे कैन नॉट गेट आल्सो ओके थैंक यू महाराज सुरेखा माता जी हरे कृष्णा महाराज का प्रणाम हमारा जो आप कह रहे हैं अभ्यास आश्रम उसका क्या अर्थ ये है कि वो मतलब उसी सतोगुण में खुश रहते हैं सेटिस्फाइड होते हैं तो वो उस... उससे आगे जाना नहीं चाहिए रहना चाहते हैं इस सुख की कामना करेंगे तो उसमें सुख का संगेना बधना ऐसा तो लग रहा है कनेक्शन कट गया है जस्ट कम बैक ऐसा करके रह जाएगा तो इसमें अटक जाएगा वो

क्योंकि हम सेवक है सेवक जब सुखी होना चाहेगा पर मालिक को क्या सुखी करेगा है ना सेवक धर्म है to make happy to master. ये धर्म हमेशा ध्यान रखना चाहिए जय कुमारी माता जी कृष्ण <laughs> हरे कृष्ण महाराज जी धनवत प्रणाम मेरा प्रश्न है महाराज जी कि ये भजन का जो आपने बताया आनंद वो त्रिगुणातीत होता है तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए हाँ माता जी जो सुख हम आपने ना भजन हम किस लिए करते हैं कृष्ण को सुख देने के लिए कृष्ण बोले हमको चैंट माय नेम अपर में वर्षिप में मन मना भव मद भक्त भव मद आजी मद नमस्कुरु हम कृष्ण की सेवा कृष्ण के आज्ञा पालन करने के लिए ही जो काम करते हैं इसको भजन तो इस भजन फिर एक कोई गुण के अंदर नहीं है क्योंकि कृष्ण के साथ कनेक्टेड हो गया कृष्ण गुणातीत है तो उनके साथ जो भी लगेगा वो सब गुण से बाहर हो जाएगा गुणातीत हो जाएगा है ना भजन तो भोजन तो है तो गुण के अंदर कैसे आएगा यशश्वेता सर महाराज धन्यवाद मैम थैंक यू सो मच महाराज महाराज मेरा क्वेश्चन वाज जैसे आपने बताया चरवेता चरवा नाम चুইंग द च्यूड मटेरियल हैप्पीनेस में चুইंग द च्यूडी कर रहे होते हैं तो महाराज लेकिन अगर किसी भी चीज को हम बार-बार च्यू करेंगे तो उसका रस बिल्कुल खत्म हो जाता है फिर वो टेस्टलेस हो जाता है

यू आर ऑलरेडी सो मच एक्सपीरियंस होल्डर है ना नहीं तो एक ना एक वही करते हैं और सुख तो वास्तविक मिलता नहीं सुख अगर मिलता फिर सुख के प्रयास क्यों करते हैं हम्म दुखी प्राप्त होता है यस नीताई प्रभु नाम जी ने पूछा उससे रिलेटेड मुक्ता लेख एक मेरे फ्रेंड ने ये बोला कि उनको ये जो choosing the में भी कंटेंटमेंट लगता है और वो देखते हैं और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं उनके पास पैसा है ये तो choosing the choose के इतने सारे ऑप्शंस हैं तो उसी में उनको लगता है कि बस यही तो ठीक है आप हम्म यू नो व्हाट अबाउट देम यस सो दे आर क्लियर मैड

प्रभुपाद जी का कितना बड़ा एग्जाम्पल है कि एवरीबडी वाज शूइंग द चूड बट वेन दे गॉट द साधु संघ ऑल ऑफ देम दे बिकेम सच नाइस डिवोटीज यस तो चूइंग द चूड का अंत होता है ऐसा हमारे सामने सामने हम देख पा रहे हैं आपके सामने महाराज आप आपके संग में आकर के सबका टेस्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा है चूइंग द चूड का Yes, Sarang. Should I disconnect from the phone? सेब तो दिसली पर परनेस प्रॉब्लम है ओके दिसिंग है आउट ओके ठीक सर हरे कृष्णा महाराज आज तो के दर्शन नहीं आ रहे गौरव प्रभु हरे कृष्णा हरे कृष्णा महाराज ये सारू पूछिए तो महाराज मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ हम जो सुबह उठ के चैंटिंग करते हैं तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया अभी मैंने देखा कि भगवान ने खुद गीता में बोला कि सुख जो सत्व सत्वगुण सुख सुख जो होता है सुबह पहले कड़वा लगता है लेकिन बाद में अच्छा लगता है तो दिस एंटायर वीक पास वीक एकदम तो मन मार के जल्दी सोना और फिर फिर उठ के चांटिंग करना बहुत डिफिकल्ट था रात को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था लेकिन सुबह चांटिंग करने के बाद सेटिस्फेक्शन फील होती थी और आप कह रहे हो कि हमारे भक्ति के मार्ग में किसी भी तरह के सुख की आशा रखना अच्छा नहीं है हमारे लिए तो हमारा सुबह करने में वो सुख क्या है और हमें उस, उससे भी बचना है मतलब मेरा क्वेश्चन ये कि हम अगर हम सच्चे आनंद है और हमारा नेचर हम सर्वेंट भी है तो क्या हमारा कभी कोई ड्राइविंग फैक्टर हो ही नहीं सकता अपार्ट फ्रॉम क्योंकि अगर हम कृष्णा को सर्व करते हैं तो रेसिप्रोकेट करते हैं मानो अगर वो रेसिप्रोकेट ना भी करते तो भी हमको सर्व करते रहना चाहिए उनको यस yes. सर्वेंट का केवल कर्म होता है टू तो डू सर्विस एनगेज इन सर्विस और सर्विस करके अगर आपने सुख लिया तो सर्विस क्या कर रहा है मास्टर के लिए तो कुछ किया नहीं आपने लिए कर रहा है है ना बाकी जो आप कर रहे हैं अभी तो समझ रहे हैं ना कि किस प्रकार कड़वा लग रहा था सो जाना फिर उठना सो लेकिन अब करते करते रहे सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे मिलता है तो इस, इस ग्लिम्स ऑफ सतगुण लेकिन इसी में फंस जाना मैं के अच्छा लगता है इसलिए मैं करूंगा नहीं मैं करूंगा क्योंकि कृष्ण के प्रसन्न कृष्ण मुझे कृष्ण बोले हैं उनके नाम जब करने भजन करने के लिए चाहे मुझे सुख लगे दुख लगे वो करना नो मैटर सो फिर धीरे धीरे जस्ट द मेयर फैक्ट दैट कि हम कृष्णा के लिए करना चाह रहे हैं चाहे अच्छा लगे yes. बुरा लगे वो ही हमको yes. सुखी दे yes. okay. ये फिर सुख फिर सतगुण नहीं होता तो त्रिगुणातीत सुख है ललिता माता जी हरे कृष्ण महाराज धन्यवाद प्लीज एक्सेप्ट मैं हमारे महाराज मेरा प्रश्न यह है कि जैसे श्रावण करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बहुत अच्छा लगता है या फिर वक्ता ऐसे होते हैं कि उनका लिखे सुनकर अच्छा बहुत अच्छा फील होता है और कई बार ऐसा नहीं होता है तो फिर भी कहीं पर मन में रहता है कि अरे चलो ये टॉपिक से रिलेटेड है तो मुझे अच्छा लगता है इसीलिए चलो श्रवण करते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मिस हो जाता है कि हाँ मुझे भगवान को कुछ करना इसीलिए श्रवण करो तो वहाँ पर प्रॉपर मूड क्या होना चाहिए या फिर किस वे में हमें श्रवण करना चाहिए तो इसको थोड़ा समझना श्रवण में भी कोई कोई लोग फिल्म गाना सुन करके सुखी होते हैं क्योंकि और कुछ डीजे साउंड सुन करके सुखी होते हैं ये सब श्रवण में भी सात्विक ना तामसी राजसिक भी है लेकिन अगर आप प्रवचन सुनकर के भगवान की कथा सुनकर के खुशी होते हैं तो निश्चित रूप से आत्म प्रसाद है बुद्धि प्रसाद अजम तो सात्विक सुख है लेकिन इसी में सुखी होने के लिए कथा सुनते हैं नहीं कथा सुनता हूं प्रभु के बारे में जानता हूँ इसलिए सुखी होता हूँ इसलिए प्रभु के बात में सुनना चाहू और जानना चाहूंगा इसी प्रकार का अच्छा फिर गुणातिथि भजन है जिसमें सुनने के लिए बुद्धि होता है बहुत इच्छा उत्तरोत्तर बुद्धि होता है क्योंकि अपने प्रभु के बारे में जानने के लिए सेवक का यही धर्म है इतना जाने पर प्रभु के बारे में तो अच्छा और सार सेवा अच्छा कर सकूं इफ आई नो हिम बेटर आई कैन सर्व हिम बेटर ये लक्ष्य होना ये भक्ति है ओके okay? तो महाराज ये कह सकते हैं कि भगवान के बारे में सुनना भी भगवान की सेवा है यस yes, ऑफ कोर्स भगवान की सेवा है यस hmm. समीर प्रभु धन्यवाद महाराज हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम महाराज

हाँ जो सुख के लिए भक्ति करते हैं सुख कैसे मिलता है उसको सीखना चाहिए अपने के लिए सुख करेंगे भक्ति करेंगे तो सुख वो सुख मिलेगा नहीं जैसे, जैसे जैसे भगवान के जैसे तो भुण तो भुण आप जैसे आपको जैसे आपको एक उदाहरण देख लीजिए आपको भूख लगता है परेशानी है दुखी होते हैं अगर आप खाना लड्डू लेकर के हाथ में पकड़ कर रहेंगे मतलब काम क्या हाथ में पकड़ कर रहेंगे तो आप भूख मर जाएगा क्या कान में आंख में नाक में डालने में भूख मर जाएगा क्या जब तक पेट में डालेंगे तब जाके सब ठीक होंगे तो इस प्रकार कृष्ण को सुख देने से वास्तविक सुखी होंगे आपने क्योंकि हम लोग सब उनके पाठ है जब मैंने सुखी होगा मैंने सुख में करंट आएगा तो वो हमारे पास करंट आएगा और सुख छोड़ के अलग करने से हो ही नहीं सकता यस yes, अंजलि हरे कृष्ण महाराज प्रणाम महाराज मेरा प्रश्न ये था कि आप कह रहे थे कि हमें आ, किसी भी साधना के किसी भी चीज से सुख की कामना नहीं करनी चाहिए पर कभी कभी हमें सुख की कामना इसलिए भी होती है क्योंकि हमें लगता है कि अगर साधना करते समय हमें सुख का अनुभव हो रहा है इसका मतलब हमारी साधना अच्छी चल रही है मतलब अभ्यास है। रहे हैं ये जो प्रकार आप कहे ना करते समय आपको सुख मिलता अभ्यास ये सतगुणी सुख है महाराज जी कि जो साधना करने स्वाध्याय करने में जो सुख प्राप्त होता है শতगुण तो इस वजह तो इस वजह से भी सुख की आकांक्षा होती है कि आ, लगता है कि हमारी साधना अच्छी चल रही भगवान को भी अच्छी लग रही होगी तो ये गलत आपका म्यूट हो गया अंजलि महाराज मैं कह रही थी कि इस वजह से हमारे अंदर ये आकांक्षा रहती है कि हमें अगर सुख अनुभव होता है इसका मतलब हम अच्छे प्रकार से सामना करें भगवान भी खुश हो रहे होंगे तो ये गलत आ। जब आप खुश रहे हो तो भगवान कैसे खुश होंगे भगवान को खुश करने से भगवान खुश होंगे ना ये सात्विक सुख है इस सुख को हम प्राप्त करके खुश होते हैं यद्यप आत्मबुद्धि का निर्माण करता है लेकिन फिर भी इसी में हमको फंसना नहीं चाहिए उसके आगे उठकर भगवान सुख प्रयास करना चाहिए। सभी को सुख चाहिए इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन सुख को लेकर के ईशान प्रभु <laughs> इसलिए भगवान ने चार श्लोक बोले इसके लिए ईशान प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी धनवत प्रणाम हरे कृष्णा गुरुदेव धनवत प्रणाम गुरुदेव मेरा अपनी पर्सनल क्वेश्चन है ये कि आ, मेरा मुझको ये रहता है कि कहीं भी मैं जाऊं तो वहां पे थोड़ा सा हरिनाम सं कीर्तन जरूर हो कहीं भी जाऊं तो मैं अपने साथ अपनी करताल को लेकर जाता हूं कि कहीं भी चलो पांच पांच दस लोग भी हो जाते हैं तो चलो थोड़ा सा कीर्तन कर लिया जाए और तो गुरुदेव कीर्तन करके मैं थोड़ी सी वीडियो भी बना ली उसको अपलोड भी कर दिया फेसबुक पे ठीक है तो मेरा मेन मोटिव यही है कि और लोगों तक कीर्तन पहुंचे कोई अगर चाहे मेरी वीडियो भी चाहे कुछ देखेगा कोई क्लिक करेगा तो उसके कम से कम एक हरे कृष्णा जो मेरा कुछ भी निकला है हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे हैं तो उसके कान में गया मेरा यह है कि मतलब कि वो भी देखेगी हाँ हरे कृष्णा मंत्र करना चाहिए कैसे भी है तो इसमें गुरुदेव कई बार थोड़ा सा सुख रहता है कि हाँ ठीक है लोग देख रहे हैं तो उस चीज को क्या ये ठीक है क्या नहीं मैं ये पूछना चाहता हूँ ये ये अभ्यास है सत्य सुख है तो मतलब इसमें इस सुख ना देखा जाए कि हाँ बस मतलब कि हम आप जब ये मान yes. them, तब अलग बात होगा लेकिन आप वीडियोग्राफी में मजा लेना चाहते है आप मान बढ़ाई प्रतिष्ठा सुख पीछे रहता है उसका तो वो तो फिर गड़बड़ गड़ है ना मतलब हमें इन चीजों को कम करना है और अपना खूब हरी नाम येगा yes. हाँ हाँ, उसके लिए नहीं है मतलब यही है कि हम मिलना होगा भगवान तो नीचे हाँ हाँ <laughs> गुरुदेव एक चीज और प्रश्न थी गुरुदेव जैसे की अब कई लोग शेव, है, शेव रखते हैं ठीक है तो कई बार होता है कि हाँ रखा जाए तो उसको रख सकते हैं कि नहीं रख सकते वैसे आप हेडसेप करना ना करना के बारे में पूछना चाहते हैं हाँ जी गुरु तो हेडसेप इसलिए कहा गया एक तो क्लीन है दूसरा कलिजुग में ऐसी नीति बताया गया कि कलिग में लावण्यम केश धारणम कलि युग में हेयर स्टाइल इज दी ए, क्या बोलते हैं कि यही सुंदरता है सुंदरता के परिमाप हेयर स्टाइल से देखते हैं तो इसलिए हम सुंदर बनना नहीं चाहते हैं सब पचड़ा नहीं तो हेयर ही काट देते हैं खत्म हेयर स्टाइल कर रहे है? कुछ है ही नहीं मेरे बाबू साहब नहीं तो फिर हेयर अगर रखेंगे जटा कर देंगे हेयर स्टाइल नहीं करेंगे यही बड़ा क्यों का हम रहता गुरुदेव जैसे कि मेरा कई बार ये रहता है कि हेयर है हेड शेप करके भी थोड़ा सा ये है कि लोग थोड़े से मतलब कि हाँ कि थो, लो, थोड़े लोग थोड़ा सा अट्रैक्ट भी होते हैं कि चलो आओ मिलके कुछ कृतन भी कर ले ये भी चीज इसमें क्या देखा जाएगा अगर इसी जी सोचते हैं हम कई बार कि मतलब कि करेंगे कि लोग पसंद करें कि कि कितनी है, घर कितन नहीं 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 हेड शेव इसलिए मतलब कहीं भी जा ठीक है लोगों को सारा पूछना चाह रहे प्रीचिंग टूल हमें कर लेना चाहिए हमारा संस्था में क्लीन शेव रहने के लिए बोलते हैं क्योंकि हम जो बाल रखते हैं तो उसको भी टेक केयर करना चाहिए साफ सुथरा रखना चाहिए नहीं तो फिर बाल को साफ काट करके बिल्कुल क्लीन कर कर दो प्रभु प्रभु आप लीजिए है ना बोल <laughs> <laughs> <द्यागो दे। laughs> यस हरे कृष्णा महाराज प्रणाम महाराज मेरा क्वेश्चन है कि जब कभी हम अभ्यास रम्मे से एज ए बाय प्रोडक्ट हैप्पीनेस का फील करेंगे तो हुँ। हुँ। हमारी कॉन्शियसनेस क्या होनी चाहिए क्योंकि वो कभी कभी फील होने लगता है उस टाइप उस टाइम पे ये लगता है तो, तो, तो फिर करने प्रयास करना चाहिए बोले मुझे क्यों सुख मिलता है सुख तो मैं कृष्ण करना चाहिए मैं क्यों फंस गया ठीक है मैं। मैं। वेदी भक्ति के जो प्रोसेस होते हैं जैसे साधना स्वाध्याय उसको कैसे ट्रांसलेट करें वही उसमें सुख की कामना ना करना उसको ड्यूटी मानकर करना आई मारे में कृष्ण ही कर रहे हैं मैं नहीं, नहीं फिर फिर उसी में फंस जाएंगे ना बंदे हम अच्छी ड्यूटी सर कृष्ण तो दैट